राजधानी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में रंगों का त्यौहार होली के दिन एक ही परिवार के 6 लोगों के ऊपर नरसंहार किया गया था, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। इस नरसंहार के मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। पुलिस के इस कार्यशैली को लेकर क्षत्रिय समाज के लोगों के भीतर नाराजगी है। इस नरसंहार के बाद भी प्रशासन और विधायक के खिलाफ क्षत्रिय समाज के लोगों के बीच आक्रोश है। क्षत्रिय समाज के लोगों ने मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड क्षेत्र के खजौली बाजार स्थित मंगती चौक पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा का पुतला दहन किया। साथ ही क्षेत्र के लोगों ने अविलंब आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें फांसी दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कार्यवाही नहीं होने पर हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। मधुबनी से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार से अविलंब मैं कहना चाहता हूं कि आप सीबीआई इस पर गठन करें और दोषियों को अविलंब कार्रवाई करते हुए स्पीडी ट्रायल चलाते हुए उन्हें फांसी के फंदा पर ले जाएं। अगर नहीं ले जाते हैं तो यह क्षत्रिय समाज प्रतिबद्ध होकर पूरे भारत में आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जवाबदेही केंद्र सरकार और बिहार सरकार की।